ओम नमः शिवाय। दोस्तों, महादेव की कृपा आप सबके ऊपर बनी रहे यही कामना करती हूँ और इसी कामना के साथ आज का जो वीडियो है वो मैं शुरू कर रही हूँ। दोस्तों, आज के वीडियो में मैं बात करने वाली हूँ वट सावित्री व्रत में पीरियड्स के कितने दिन बाद पूजा अर्चना जो है वो हमें करनी चाहिए, 3 दिन, 5 दिन या 7 दिन में। साथ ही साथ वट सावित्री वाले दिन ही अगर पीरियड्स आ जाता है तो हमें क्या करना चाहिए, किस प्रकार से पूजा अर्चना करना चाहिए, संपूर्ण जानकारी जो है वो इस वीडियो में आप सबके साथ शेयर करने वाली हूँ। तो चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो। सबसे पहली अगर बात करूँ वट सावित्री व्रत की, तो वट सावित्री व्रत आने वाली 6 जून को साल 2024 में दिन गुरुवार को पूरी विधिवत तरीके से रखा जाएगा। ये व्रत सावित्री जी ने किया था और उन्होंने यमराज से अपने पति सत्यवान के प्राण वापस लिए थे। तब से ऐसी परंपरा चली आ रही है कि अपने पति की दीर्घायु के लिए वट सावित्री व्रत जो है वो रखा जाता है। अब क्या होता है कि बहुत सारी ऐसी माताएं बहनें जो पूरे साल इंतजार करती हैं और लास्ट मोमेंट पे आके या लास्ट समय पर आकर उनका पीरियड्स या मासिक धर्म आ जाता है, ऐसे में उनको समझ में नहीं आता है कि क्या करना चाहिए और किस प्रकार से करना चाहिए। तो देखिए, जो रजस वाला धर्म है, जो मासिक धर्म है, जो पीरियड है, वो एक नेचुरल है, प्रकृति की देन है। इसको बहुत ज़्यादा आपको नहीं सोचना है, हो हल्ला नहीं मचाना है, बहुत ज़्यादा परेशान नहीं होना है, अपना बीपी नहीं बढ़ाना है कि आपको लगे कि नहीं अब क्या होगा कैसे होगा। तो ये सारी चीज़ें जो है वो आपको नहीं सोचना है, क्योंकि जो पीरियड्स है वो आना ही आना है, चाहे हम कुछ भी करें उसको। हम अगर मान लीजिए कि अगर 4 दिन बाद आना है और हम पहले से सोचना शुरू कर देंगे कि पीरियड्स हाय मेरा आ जाएगा, ये होगा वो होगा, कैसे पूजा करेंगे, हमने सारी तैयारी कर ली है, तो हो सकता है कि वो 4 दिन बाद आने वाला हो तो वो उसी दिन आ जाए, क्योंकि आप अपने माइंड में बहुत सारी चीज़ें जो हैं वो ले रहे हैं। और कई बार जब हम बहुत सारी चीज़ें सोचते हैं ना, तो फिर वो चीज़ें जो हैं वो सामने हो जाती हैं। तो अगर आपको आने वाला है तो आप इतना ज़्यादा टेंशन ना लें। साथ ही साथ अगर मान लीजिए बहुत सारे लोगों का 7-8 दिन भी होता है लेकिन उनको टेंशन हो जाती है कि कहीं पूजा करते समय ना आ जाए, कहीं ऐसा ना हो जाए, कहीं वैसा ना हो जाए, तो आपको ये चीज़ें दिमाग में बिल्कुल भी नहीं लानी है। क्योंकि अगर आप ये चीज़ें दिमाग में लाएंगे तो बिल्कुल जो नहीं होना होगा वो हो जाएगा, तो आप ऐसा मत सोचिए। ठीक है, करूँ पीरियड्स में, जैसे बहुत सारी ऐसी माताएँ बहनें जिनको लगता है कि पीरियड्स में हमें कितने दिन बाद पूजा करनी चाहिए, तो जो हमारे धार्मिक ग्रंथ हैं, जो शास्त्र हैं, उसमें 3 दिन का रजस वाला धर्म में जो स्त्री हैं, जो नारी हैं, वो अशुद्धि की अवस्था में बताई गई हैं। 3 दिन का वर्णन मिलता है, बहुत मतलब गहराई से उसका वर्णन नहीं मिला है, बस 3 दिन का वर्णन मिलता है कि 3 दिन जो स्त्री हैं, जो नारी हैं, वो अशुद्धि की अवस्था में रहती हैं और उस अशुद्धि की अवस्था में उनको कोई भी शुभ कार्य या मांगलिक कार्य का हिस्सा जो है वो नहीं बनना चाहिए और ना ही किसी मंदिर की दहरी नागनी चाहिए, ना ही किसी मंदिर के प्रांगण में जाना चाहिए, ना ही घर में पूजा पाठ करना चाहिए। बस उनको मानसिक पूजा या मानस पूजा जो है वो कर लेनी चाहिए। उनको किसी भी मान लीजिए आयोजन में जो है वो सम्मिलित नहीं होना चाहिए। ऐसे में वट सावित्री व्रत में अगर मान लीजिए कि आप पीरियड्स आपका आने वाला है या आपका 3रा 4था 5वां दिन है, तो आपको क्या करना चाहिए, 3 दिन का जो रजस वाला धर्म है, जैसे कि मैंने बता दिया कि 3 दिन नारी अशुद्धि की अवस्था में रहती है, तो 3 दिन के बाद जो नारी है वो शुद्ध बताई गई है, लेकिन जब हम पूजा पाठ करते हैं तो हम 5वें दिन से ही पूजा जो है वो शुरू करते हैं देवियों की और 7वें दिन से देव की पूजा करते हैं। जैसे वट सावित्री व्रत में हम त्रिदेव की पूजा करेंगे, जैसे वट सावित्री की पूजा बरगद की पूजा जो हम करते हैं, उस बरगद में तने में शाखा में पत्ती में भगवान त्रिदेव का वास होता है, उसमें भगवान श्री हरि विष्णु, भगवान श्री ब्रह्मा जी और भगवान श्री महादेव, इन तीनों देव का वास होता है। तो जो देव की पूजा है वो हम 7वें दिन से ही शुरू करते हैं। इसलिए अगर आपका 5वां 6ठा 4था 3रा दिन है तो आपको पूजा नहीं करनी है। लेकिन अगर आप मान लीजिए कि आपके बाल 2 बार धुल चुके हैं, जैसे मान लीजिए 3रे दिन और 5वें दिन, अपने मैंने वीडियो बनाया है उसमें विधिवत तरीके से बताया है कि बाल, पहले बाल जो है वो 3रे दिन धुल जाते हैं और जो दूसरे बाल हैं वो 5वें दिन धुल जाते हैं, तो आप पूजा जो है वो कर सकती है, कोई दिक्कत नहीं है। बस आप पूरी तरीके से शुद्ध की अवस्था में होनी चाहिए, ऐसा नहीं है कि मतलब आपको अंदर से भ्रम है कि 5वें
दिन भी हम थोड़ी सी प्रॉब्लम हो जाती है तो फिर आप पूजा ना करें। अगर आप अपने में कॉन्फिडेंस हैं एकदम से कि आप पांचवें दिन पूरी तरीके से शुद्धि की अवस्था में हो जाती हैं, तो आप विधिवत तरीके से वट वृक्ष की पूजा करें, पति की पूजा करें, कोई दिक्कत कोई परेशानी जो है वो नहीं है। लेकिन अगर आपको ऐसा लग रहा है कि नहीं, आप जो है वो 5 दिन 7 दिन तक अशुद्धि की अवस्था में रहती हैं, फिर आपको पूजा नहीं करनी है। अब बहुत सारे लोगों के मन में ये विचार आएगा कि मान लीजिए कि पहला दिन है, दूसरा दिन है, तीसरा दिन है, तो हम क्या करें। क्योंकि मैं बिल्कुल बारीकी से आपको सारी चीज़ें समझा देती हूँ, फिर भी बहुत सारी बहनों के प्रश्न आते हैं कि दीदी आज ही आया तो क्या करें, 2 दिन में मेरा तीसरे दिन बिल्कुल ख़त्म हो जाता है, तो हम पूजा कर लें या नहीं कर लें। तो अगर आपका ख़त्म हो जाता है, आप पूरी तरीके से शुद्ध हो जाती हैं, आप अपने में संतुष्ट हैं कि नहीं हम साफ सुथरे हो जाते हैं तीसरे दिन, चौथे दिन, पाँचवें दिन, तो बेशक आप पूजा करें, इसमें कोई दिक्कत जो है वो नहीं है। लेकिन अगर आपका पीरियड्स जो है वो आ सकता है, तो आपको पूजा नहीं करनी चाहिए। अब एक प्रश्न सबसे ज़्यादा आता है कि दीदी मेरा जिस दिन मैं पूजा करूँगी उसी दिन मेरा 5वां दिन होगा, तो हम पूजा करें या ना करें। शुद्ध जो है वो मैं हो जाती हूँ, लेकिन जो बाल हैं वो नहीं धुल पा रहे हैं, तो आपको क्या करना है। जो तीसरा दिन है जिस दिन आप बाल धुलेंगे, तो आप तीसरे दिन, चौथे दिन 2 दिन धुल लीजिए, ठीक है। उसके बाद 5वें दिन अमावस्या पड़ रही है, और अमावस्या तिथि में बाल नहीं धोए जाते हैं। जैसे वट सावित्री व्रत के 1 दिन पहले ही बहुत सारी माताएं बहनें बाल धुल लेती हैं, और जिस दिन अमावस्या होती है उस दिन नहीं धोती हैं। मैं आपको बताऊं, अगर अमावस्या तिथि है और आप बाल धोना चाहती हैं, क्योंकि बहुत सारे लोग सौंच इत्यादि करते हैं तो उनका मन नहीं भरता है, अंदर से उनको लगता है कि नहीं शुद्धि की अवस्था नहीं हुई है, तो ऐसी जितनी भी माताएं बहनें हैं, अगर अमावस्या वाले दिन आप बाल धोना चाहती हैं और आपको ऐसा लगता है कि मैं पूरी तरीके से शुद्ध होना चाहती हूँ, तो किसी भी नीर, सरोवर, गंगा, यमुना, तालाब, कोई भी है मिल जाए आपको, डुबकी लगा के नहा लेते हैं, उसमें कोई भी दिक्कत कोई भी परेशानी जो है वो नहीं है। ये चीज़ कहीं पे भी वर्णन नहीं मिलेगा बालों को धोने के लिए। हम अपने बड़े बुजुर्गों से जो सुनते चले आ रहे हैं वो बस वो हम जो है वो बोलते हैं, लेकिन बालों को धोने का नियम और बालों को धोने का कहीं भी प्रमाण जो है वो आपको नहीं मिलता है। तो आप अगर अमावस्या वाले दिन ही बाल धुलना चाहती हैं, तो आप किसी, जैसे मैंने बता दिया, नीर, सरोवर, तालाब, गंगा, यमुना में डुबकी लगा के स्नान कर सकती हैं, इसमें दोष नहीं है। दूसरी बात, बालों को खोल के आगे की तरफ झुका के बालों को नहीं धोना चाहिए। जब कोई बड़ी तिथि होती है, जैसे अमावस्या हो गया, पूर्णिमा हो गया, एकादशी तिथि हो गई, तो ऐसी तिथियों में हमें बालों को खोल के बकेट में जो बाल्टी होती है उसमें आगे की तरफ झुका के नहीं धोना चाहिए। लेकिन बालों को, जैसे मान लीजिए चुटिया आपकी बंधी है, जूड़ा आपका लगा है, आपने सावर चला लिया या बकेट से ही ऊपर से डाल के सर से स्नान कर लिया, तो इसमें कोई दोष जो है वो नहीं है। तो अगर आप धोना भी चाहती हैं, या आपका 5वां दिन 6वां दिन 7वां दिन है, आप बाल धोना चाहती हैं, तो बेशक आप सर से पानी डाल के स्नान कर सकती हैं, इसमें कोई दिक्कत कोई परेशानी जो है वो नहीं होती है। तो फिर से एक बार बता दूं कि अगर आपका 5वां दिन है और आप पूरी तरीके से शुद्ध हो जाती हैं, तो आप वट वृक्ष की पूजा करें, कोई दिक्कत कोई परेशानी जो है वो नहीं है। 5वें 6वें 7वें दिन कर सकती हैं। पहले दिन, दूसरे दिन, तीसरे दिन और चौथे दिन आपको पूजा नहीं करनी है। लेकिन बहुत सारी ऐसी बहनें जो बार बार बोलती हैं कि हम चौथे दिन भी पूरी तरीके से शुद्ध हो जाते हैं, बिल्कुल दिक्कत नहीं है, तो आप चौथे दिन भी पूजा कर सकती हैं, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन जिनका पहले ही दिन हुआ है और मान लीजिए कि उनको पूजा करना है, तो उनको किस प्रकार से करना है वो भी मैं बता दे रही हूँ। अगर आपके घर में बड़े बुजुर्ग हैं, कोई भी सास ससुर, नाना, देवरानी, जेठानी अगर हैं, तो आप उनसे पूजा करवा दीजिए। अगर कोई नहीं है और आप मान लीजिए पूजा करने में असमर्थ हैं, तो आप सुहाग का जो भी सामान है सिंगार का, वो किसी भी अड़ोसी पड़ोसी से चढ़वा दीजिए, और जो चने हैं और जो वट वृक्ष का कोप है, जो फल है जो निकला जाता है, वो आप मंगा के और अपना व्रत जो है वो पूर्ण कर सकती हैं। जब तक चने और जो फल है वो निकला नहीं जाता है, तब तक जो व्रत है वो पूर्ण नहीं माना जाता है। इस चीज़ का आपको हमेशा याद रखना है। तो उम्मीद करती हूँ कि आज का वीडियो आप सबको काफ़ी अच्छे से समझ में आ गया होगा। दोस्तों, अगर पूजा पाठ और भक्ति से जुड़े वीडियो आप सब देखना चाहते हैं और आप सबको पसंद आ रहे हैं, तो प्लीज़ मुझे सपोर्ट कीजिए और इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए।